बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली, और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त ने पूछा था कि एल्बेंडाजोल जो मतलब डिवर्मर है, वो इस्तेमाल करवाने के बाद या फिर कोई भी डिवर्मर इस्तेमाल करवाने के कितनी देर बाद हम जानवर को आइवरमेक्टिन जो साल्ट है उसका इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर ट्रोडेक्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ट्रोडेक्स और आइवरमेक्टिन जो है क्या हम इनको एक साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, इस चीज़ का भाई ने पूछा था। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी चीज़ पर है कि क्या हम डिवर्मर और आइवरमेक्टिन, कह लें कि इंजेक्टेबल डिवर्मर या फिर जो एंडोएक्टोपैरासाइट्स वाला टीका है, और डिवर्मर जो है जो पर ओरल हमने देना होता है, कह लें कि बजरिया दहन मुँह के रास्ते जो हमने इस्तेमाल करवाना होता है वो, और इंजेक्शन वाला जो डिवर्मर है, क्या हम इनका एक साथ इस्तेमाल करवा सकते हैं, और अगर नहीं इस्तेमाल करवा सकते तो उसके दौरान कितना वक्फा रखना चाहिए। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि यार मैंने स्टार्ट कर दिया अभी इसी चैनल में ब्लॉगिंग, क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि इस चैनल पर जो मेरी वीडियोस हैं जो उसमें पिक्चर्स आती हैं उन पर यूट्यूब वाले कहते हैं कि मैं उनकी पॉलिसीज़ जो हैं उनको वायलेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी वीडियोस में सिरिंज जो है वो अक्सर देखने में मिली है, और जिस भी वीडियो में सिरिंज की पिक्चर आ जाती है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार सिर्फ सिरिंज से इसको। तो मैंने साथ में इसलिए सोचा है कि व्लॉगिंग जो है उसको भी शुरू कर दूँ, अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रो करना चाहता हूँ। तो 3 से 4 वीडियोस हैं मेरे ख्याल से मेरी व्लॉगिंग की इस चैनल पे, लेकिन कुछ खातर ख्वाह कह लें कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले उन व्लॉगिंग वाली वीडियोस पे। अभी भी तकरीबन मेरे 4000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी उस पर टोटल व्यूज़ 55 हैं। तो यार अगर तो आपको नहीं पसंद मेरे चैनल पर व्लॉगिंग तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं व्लॉगिंग छोड़ देता हूँ, इसी काम पर थोड़ा सा मज़ीद फोकस कर लेता हूँ, इसके कोई और टॉपिक्स जो हैं वो इसमें ऐड कर लेता हूँ। अगर आपको व्लॉगिंग पसंद नहीं है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर मतलब व्लॉगिंग के रिलेटेड जो है टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं और ये जो हमारा फ़िलहाल का टॉपिक है उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जो है उसका बेसिकली लोग इस्तेमाल करते हैं जानवरों को, मैंने आपको पहले भी बताया कि चिचड़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर पेट के किरमों के खात्मे के लिए कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं चिचड़ों को ख़त्म करने के लिए या फिर जानवर की जो स्किन है उसको शाइनी बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए। ट्रोडेक्स इंजेक्शन जो है दोस्तों, इसके रिलेटेड नाइट्रोक्स नाम के एक इंजेक्शन की मेरी वीडियो बनी हुई है। ये जानवर से कह लें कि जो जिगर के किरम होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप नाइट्रोक्स वाली जो वीडियो है वो देख सकते हैं। मुझे ट्रोडेक्स का मुकम्मल इलम नहीं है, बस यही पता है कि उसके अंदर साल्ट जो है वो नाइट्रोक्स वाला है, नाइट्रोक्सिनिलीन करके उसका नाम है, तो साल्ट तकरीबन सेम है। बाकी मेरे पास उसकी मतलब मुकम्मल डिटेल नहीं है, ना तो कह लें कि उसकी डब्बी है मेरे पास और ना ही मेरे पास कोई उसका पंपलेट है। अगर होता तो मैं उस पर भी वीडियो जो थी बना देता। तो अभी मतलब उसके मतलब मुकम्मल मुझे इलम नहीं है, लेकिन काम उसका भी वही है जो नाइट्रोक्सिल ट्रोक्सी इनका काम है, वही काम उसका भी है। तो दोस्तों, अगर तो आपने कह लें कि डिवर्मर इस्तेमाल करवाना है और साथ में आप चाहते हैं कि आइवरमेक्टिन और जो है ट्रोडेक्स भी आप इस्तेमाल करवाएं, तो दोस्तों ट्रोडेक्स और आइवरमेक्टिन जो है ये एक साथ इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं, इस्तेमाल करवाए हुए हैं, क्योंकि जब जिगर का प्रॉब्लम होता है तो साथ में इस चीज़ का भी इस्तेमाल करवा दिया जाता है ताकि कोई जो पेट के किरम हैं या फिर जो साथ में एक्टोपैरासाइट्स हैं उनका भी खात्मा हो जाए, आइवरमेक्टिन का ये सोचकर इस्तेमाल करवा दिया जाता है। लेकिन आज तक कभी देखा नहीं है कि डिवर्मर के साथ आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो काम डिवर्मर ने करना है वही काम आइवरमेक्टिन ने भी थोड़ा बहुत कर देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करवाएँ, आइवरमेक्टिन, कोई डिवर्मर, एल्बेंडाजोल हो गया या कोई और हो गया, और ट्रोडेक्स का भी मतलब आपको पता है कि जानवर को किरमों का मसला है, जिगर के किरमों का मसला है, पेट के किरमों का मसला है, तो मेरे ख्याल से आपको डिवर्मर की ज़रूरत नहीं है, फिर आप सिंपली आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करवा दें और ट्रोडेक्स जो है उसका इस्तेमाल करवा दें। फिर जब आपने सेकंड डोज देनी है उसके बाद आप तकरीबन उसके बाद आप 15 दिन के बाद, मतलब फर्स्ट डोज के बाद 8 दिन के बाद आपने सेकंड डोज देनी होती है,
और उसके 15 दिन बाद आप कोई डिफर्मर इस्तेमाल करवा सकते हैं, ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप साथ में भी इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो बस वो सिर्फ और सिर्फ आपका खर्चा जो है उसको बढ़ाने के लिए है, बाकी नुकसान इसका कोई नहीं है। आप इस्तेमाल करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। अगर हम ये कहें कि इसका कोई नुकसान है तो नुकसान वाली भाई कोई बात नहीं है, आप बिला झिझक इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि जो आप डिवर्मर इस्तेमाल करवा रहे हैं वो किसी और चीज़ के साथ मिलकर रिएक्शन ना करता हो, या फिर किसी और चीज़ के साथ अगर वो इस्तेमाल करवाया जाए तो उसका असर ना ख़त्म होता हो। तो आप इस चीज़ का अगर ख्याल करके इस्तेमाल करवाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और वो यार व्लॉग वाली बात याद रखना, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे नहीं लगते मेरी वीडियो मेरे चैनल पर तब भी बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई व्लॉगिंग करूँ किसी खास टॉपिक पर जो आप पसंद करते हैं तो मुझे आप वो भी बता सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड जो है वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।